100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। जहां एक तरफ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब मजदूरों के सामने राशन की समस्या सबसे बड़ी है। ऐसे में गरीब मजदूरों की सुध लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने ली। राजधानी के डीएम अभिषेक प्रकाश ने राशन की दुकान खुलवाने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए राशन बांटना सुनिश्चित किया। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में 1242 फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो राशन की सरकारी दुकानें हैं। इसमें 640 दुकानें नगर के क्षेत्र में हैं और बाकी 600 दुकानें आपके देहात के क्षेत्र में हैं। और 12 बजे तक, ये प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे के मध्य इसका कार्यक्रम है, वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। और जो निर्देश हैं उसमें वर्तमान में जो हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के वो व्यक्ति जो मनरेगा कार्ड धारक हैं इस प्रकार से, या श्रमिक जो पंजीकृत मजदूर हैं, इन सभी को निशुल्क राशन की ये व्यवस्था जो है वो की जा रही है इस माह की उठान की। और 12 बजे तक जो जनपद का आंकड़ा है उसमें 28,000 से अधिक लोगों ने अपने राशन को ले लिया है। प्रत्येक राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 1-1 मीटर से ज़्यादा के गैप पे गोले बनाए गए हैं ताकि लोग उसी में खड़े रहें और एक एक करके अपने राशन को ले जाएँ। और साथ ही साथ ई पॉस मशीन जहाँ पर मार्किंग होती है वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। प्रत्येक व्यक्ति के सैनिटाइजेशन के बाद ही फिर वो ई पॉस मशीन के माध्यम से इसका वितरण होता है। और साथ ही साथ हर एक जो हमारे केंद्र हैं, ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, यहाँ पर ये अनिवार्य रूप से कहा गया है कि हर जगह पानी और साबुन भी रखें हाथों को धोने के लिए।